देखिए ध्यान से अब लॉग को समझिए। लॉग में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉग बी, बेस क्या है ए, इक्वल टू हम लोगों ने लेट किया एक्स। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप लॉग को हटाना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्या किए हम लोग, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी। वापस अगर इस तरह से दिया रहे और अगर लॉग में लेकर आना है तो जैसे आप वापस यहां पर किए थे वापस इसको अपने जगह में ले आएंगे, ठीक है। कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं, जरा ध्यान से आप लोग देखिए और बनाइए। कैसे करेंगे आप बोलिए, ये देखिए बहुत ही आसान बात, 3 का पावर जैसे आप क्या किए थे, ए का पावर, यहां पर क्या करेंगे, होगा कि नहीं 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो देखेंगे इसको लॉग में अगर लेकर आया हम लोग लेते हैं तो देखिए कितना ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि लॉग 9 इजिकल टू 2 कैसे हुआ, लॉग 9 इजिकल टू 2 कैसे हुआ ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन जब हम इसको इस तरह करते हैं तो पता चलता है 3 का स्क्वायर 9 इजिकल टू 9। वापस अगर हम इस तरह से दिया रहेगा और बोलेगा लॉग में लिखने के लिए तो कैसे करेंगे, वापस जैसे आप किए थे 3 बेस में आ जाएगा, ये कैसे होगा बोलिए, 5 का पावर इजिकल टू, देख रहे हैं यहां पर कैसे किए हम लोग, ये इधर आया ए टू दी पावर एक्स इजिकल टू आपने बी लिखा था, सेम यहां पर। वापस अगर हम इसको लॉग में करना चाहेंगे तो ये कैसे होगा बोलिए, 2 का पावर 6, अब 2 6 बार लिखेंगे इजिकल टू कितना, जस्ट यही ए टू दी पावर एक्स इजिकल टू बी। वापस अगर हम इसको लॉग में लिखना चाहेंगे तो जैसे अभी मैंने बताया था ये ऊपर वापस यहां पर आ गया, कोई प्रॉब्लम, इसके ऊपर बहुत सारे सम्स आते हैं, तो कॉन्सेप्ट था ये लॉग का कि लॉग बी अगर बेस ए है इजिकल टू एक्स तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स इजिकल टू बी, यानी कहीं पर भी इस तरह का अगर इससे रिलेटेड कुछ सम्स आएगा तो आप इस तरह से लिख के और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक्स का वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट। अब आगे का फॉर्मूला लिखिए, लॉग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है उसको लिखना शुरू कीजिए।